असलम जो उम्मीद है सब खैर से होंगे। फ्लड के हवाले से बहुत ज़बरदस्त ऐलान हो चुका है, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से दो कंट्रियां जो है फाइनल हो चुकी है जिनका आगाज़ होने जा रहा है। आपको बताऊँ कौन कौन सी कंट्रियां और कौन कौन सी तरीकों जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको छोटे बताने वाला हूँ, जो कि अभी से अभी फैसला किया गया और अभी से अभी सऊदी गजट और सऊदी वजारत सेहत के हवाले से और सऊदी न्यूज़ के हवाले से जो ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि कामा होल्डर और न्यू वर्क वीज़े वालों के लिए कौन कौन सी कंट्री शामिल है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आपको नज़र आ ही रहा है, उसे लाजमी तो प्रेस कर दीजिएगा, कोई भी अपडेट हो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक लाइव पहुंच सके। आपको मैं बताऊं कि अभी से अभी बहुत ही खूबसूरत सा नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि ऑफिशियली तौर पर अनाउंस किया गया सऊदी गजट के हवाले से, सऊदी न्यूज़ के हवाले से, जो है कंट्री का नाम शामिल हो रहा है। पहले नंबर जो है वो पाकिस्तान का नाम शामिल हो रहा है और दूसरे नंबर पर जो है वो इंडिया का नाम शामिल किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। लेकिन जो वो ही लोग जा सकते हैं जिन्होंने अपने ही मुल्क में दोनों वैक्सीन लगाई हुई है, और इंशाल्लाह उनका जो कहना है कि हम जो है अक्टूबर के अंदर अंदर जो है जुमेरात या 28 मतलब डेट के अंदर जो है इनका आगाज शुरू कर देंगे। बस ये जो ममालिक है अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, बस इंशाल्लाह हम इनके लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे फ्लाइट के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह।